हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम धूमड़ा संतरा। आज मेरे पास है निकॉन डी 3700 कैमरा। आज मैं इस कैमरे की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और अगर जो आगे रखी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है उनका चेहरा है वो ब्लर आता है तो वो कैसे साफ करें इनके बारे में बताऊंगा, और अगर कोई भी वस्तु है ब्लैक आ रही है तो उसको सही से कैसे दिखाए, उनकी सेटिंग कैसे करें उनके बारे में आज बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं निकॉन डी 3700 ने निकॉन डी 3700 कैमरे के बारे में। तो देख लीजिए, पहले ये निकॉन निकॉन लिखा हुआ है, निकॉन का कैमरा है और ये है मॉडल 3700 कैमरा। सबसे पहले ढक्कन को हटा देना है। ये ढक्कन हटाने के बाद लेंस को साफ कर लेना है। उसके बाद बैटरी है वो यहाँ लगती है, इनके यहाँ इधर से बैटरी लगती है, ये वाली इधर, ये वाला इधर से बैटरी लगती है। अभी लगाई हुई है बैटरी, और बाद में आपको देख लेना कि मेमोरी कहाँ लगती है। ये देख लीजिए, यहाँ मेमोरी लगती है, ये इधर से ये मेमोरी का ऑप्शन है। उसके बाद ये है ऑन ऑफ वाला बटन, इधर से ऑन ऑफ किया जाता है। देख लीजिए ये डिस्प्ले शो हो रही है। उसके बाद आपको लेंस को इन आउट कर लेना है, इन ये ऐसे इन होता है और आउट होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको फोटो क्लिक करके देख लेना है कि फोटो मेमोरी को सही से लगा लेना है, और उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके देख लेना है कि फ़ोटो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ़ोटो अभी ब्लैक आ रहा है तो उसको कैसे सही करें देख लीजिए। तो सबसे पहले डिस्प्ले को शो करवाना है, और उसके बाद में ये शटर स्पीड को कम कर लेना है। ये इधर देख लीजिए 160 है, ये शटर स्पीड वाला बटन, इनको कम कर लेना है। 125 से 100 कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इसमें इधर दिया हुआ है अपर्चर, अपर्चर को कम कर लेना है। ये है अपर्चर वाला बटन इधर दिया हुआ है, ये इसको कम कर लेना है इनको दबा के, और ये शटर स्पीड वाला बटन इसको कम कर लेना है। और ISO है वो 800 है, अभी इनको इतना ही रहने देते हैं और फोटो क्लिक करते हैं। ये है फोटो क्लिक करने वाला बटन, और ऑन ऑफ के पास वाला, ये ऑन ऑफ होता है इधर से, और तो उसके बीच में ये बटन है जो फ़ोटो क्लिक करने के काम आता है। तो अभी फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा आता है फ़ोटो। ये देख लीजिए कुछ हद तक अभी सही दिख रहा है। अभी इनको सही से फ़ोटो क्लिक करने के लिए अभी इनको ISO को बढ़ाना है, तो देख लीजिए ISO का बटन कहाँ है इसमें। ये है FN वाला बटन, FN लिखा हुआ है, इसको दबा के शटर स्पीड वाले बटन से ISO को बढ़ा देना है। ये देख लीजिए इतना कर लेते हैं, फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है क्लिक। ये देख लीजिए अब थोड़ा सा ये डायरेक्ट, थोड़ा सा नॉर्मली डायरेक्ट दिख रहा है अभी अभी तक। तो इसको थोड़ा सा अपर्चर को कम कर लेते हैं पहले, और थोड़ा सा शटर स्पीड को कम कर देते हैं, और बहुत कम लाइट है इसलिए इधर फोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। ये देख लीजिए अब सही ढंग से क्लिक होने लग गया है लगभग, और लाइट बहुत कम है इसके अंदर। अगर इसको और बढ़ाना है तो ISO को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ा लेते हैं ISO को थोड़ा और, फ्लैश कर लेना है अगर ज़्यादा ही अंधेरा है तो। फ्लैश वाला ये है बटन, इधर से फ्लैश कर सकते हैं, ये वाला FN के ऊपर वाला ये बटन है, इसे फ्लैश कर सकते हैं। ये फ्लैश कर लिया, अब अगर इधर फोटो क्लिक करना है तो इस सेटिंग को अब बदलना पड़ेगा क्योंकि अब लाइट हो गई है। तो अब 80 की जगह शटर स्पीड को हम 125 कर लेते हैं। उसके बाद अपर्चर को है 5.6 है, इधर हम 7.1 कर लेते हैं, हो गया। अब ISO को भी कम कर लेते हैं क्योंकि अब हमने फ्लैश को ऑन कर लिया है, 800 कर लेते हैं। अब फोटो क्लिक करके देखते हैं, देख लीजिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है अभी तक, तो थोड़ा सा और शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं।
और थोड़ा सा प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं। आपने देख लिया है सब कुछ, तो अब देख लीजिए किस तरह से आता है। ये देख लीजिए, अब एक बार यहाँ इन्फो वाला बटन है, अगर डिस्प्ले बंद हो जाए तो ये इन्फो वाला बटन इधर दिया हुआ है, क्लिक कर लेना है और देख लेना है। और फोटो को देखने के लिए ऊपर वाला बटन है ये, इनको क्लिक करना है और देख लीजिए ये। अब यह फोटो एकदम सही से दिख रही है। और जूम करने के लिए थर्ड नंबर वाला बटन, तीसरे नंबर वाला बटन से जूम कर सकते हो, और फोर नंबर वाले बटन से जूम को इन किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए फोटो सही से आ रहा है, अब आपने देख लिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और इस कैमरों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी जाके देख लीजिए, और मैं बायो में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।